क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के गडुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति की पहचान गडुआ गांव निवासी विजय सिर्फ उर्फ बीजो सिंह के रूप में की गई है। वहीं जख्मी गनौरी सिंह ने बताया कि दोनों भाई मूंग छुड़ाने के लिए खेत में गए हुए थे, तभी कुछ लोग आए और कहने लगे कि ये हमारी जमीन है, जिसका विरोध करने पर दोनों भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया, जहां एक भाई की नवादा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बिहार में मोतिहारी के एमएलसी पुत्र की दबंगई सामने आई है, जहां बीते दिनों हुए उपचुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं दिलवाने और दूसरे प्रत्याशी की जीत के बाद आग बबला हुए एमएलसी पुत्र ने हरी सिद्धि को 2 वार्ड पार्षदों को धमकी दी और उन्हें अंजाम भुगतने की बात कही, जिसका ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वार्ड पार्षद और पार्षद संघ ने इसे गंभीरता से लिया और दर्जनों की संख्या में वार्ड पार्षदों ने मोतिहारी एसपी से मिलकर इसकी लिखित शिकायत के साथ ऑडियो दिया है और कार्रवाई की मांग की है। वो बोलने लगे कि तू साला पूरे लोग मिलकर गाली गलौज किया है, गाली दिया है, वोट नहीं दिया है, साथ नहीं दिया है। तो हम बोले कि भाई हम लोकतंत्र है, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अरे तुम साला निकलो घर से बाहर, जान से मरवा देंगे, मार देंगे, यही सब बात बोले हमको। पता है काहे के लिए वार्ड को गाली दी? नहीं, उपचुनाव जो हुआ उसमें आप किसी का समर्थन कर रहे थे और उन लोगों के द्वारा वोट नहीं दिया गया, इसी को लेकर कहीं घूमे हैं ना फिरे हैं? आपके पुत्र ने गाली दिया है, वो ऑडियो हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। तुम्हारे द्वारा मेरे पिताजी को गाली दिया गया है, जबकि ऐसा मैंने कहीं पे गाली नहीं दिया। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि 18 जिला परिषद चुनाव में तुम मदद नहीं किया। लोकतंत्र है, अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम जिसको चाहे समर्थन दे सकते हैं। मैंने रोहित गिरी के साथ उनके समर्थन में था और उनको चुनाव हम लोग जिताए, उनके साथ हम चुनाव जीतने के बाद गए भी थे। बिहार में गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत करमौनी गांव के पास गया डोभी मार्ग स्थित भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा देर रात 4 बम ब्लास्ट किए गए हैं। बम ब्लास्ट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, साथ ही इस दौरान वहीं पास में एक झोले से 2 जिंदा बम भी बरामद हुआ है, जिस बम के निरोधक दस्ता के द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाकर डिफ्यूज किया गया। फिलहाल पूरी घटना के मामले को लेकर डोभी थाना में प्राथमिकी को लेकर पीड़ित संतोष गुप्ता ने आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच में फिर पुलिस को हम लोग खबर किए 256 में 247 या 248 की घटना है और पुलिस आई तो नीचे भी 2 बम मिला। और एक्चुअली मेरे हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, मुखिया भी रहे हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं विधानसभा स्तरीय, तो प्लानिंग के तहत एक आपराधिक किस्म का लोग हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, मगर 2019 से पड़ा हुआ है और उसको कभी मौका नहीं मिल रहा है। कभी गाड़ी का रेकिंग करके पीछा करता है, तो कभी हम 972-22 केस भी किए हैं पहले, रंगदारी मांग दिया गया था हमसे और हत्या के सुपारी भी दिया गया था, जो उसका ही हम लोग जो भी थाना में केस दर्ज किया।
बिहार में नालंदा जिला के रउई थाना क्षेत्र इलाके के शिवनंद नगर गांव में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब अचानक पूरी प्रशासनिक तैयारी के साथ प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव पहुंची। बताया जा रहा है कि जैसे ही भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को ग्रामीणों ने देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान चिलचिलाती धूप में करीब एक घंटे तक ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक होती रही और हंगामा कर रहे तीन महिलाएं भी वहां पर बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ग्रामीणों के उग्र आक्रोश को देखते हुए प्रशासन बेरंग हाथ वापस लौट गई। जो सीओ साहब ने क्या किया कि यहां पर जमीन नहीं दी, उग्र खाली करा रहे थे, ठीक ना। जमीन जहां दिए थे वहां तलाई खनवा दिए रुपया पर, समझे ना। जमीन का पर्चा हमने नहीं मिला और उसी कारण में सोच रहे कि कोर्ट खाली, कोर्ट एक महीने से बंद है, अभी बीच में खाली करावे तैयार है। ने मियां पोखर, हम लोग सिमनंदर नगर में बासी हैं। मियां पोखर ने सीओ साहब कुलकुर्मी लोग सीओ साहब के पैसा दे करके मियां पोखर, हम लोग बोल रहे हैं कि मियां पोखर में बसेंगे, हम लोग के घर बना के मियां पोखर में दीजिए। ये लोग सीओ साहब बोलता है तुम लोग के बेघर कर देंगे। सीओ साहब ने वहाँ पे हम लोग बसने के लिए गए हैं, हम लोग के बसने नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के तहत हम आए थे यहाँ पे, उग्र होकर के हम लोग गाड़ी अतिक्रमण के लिए अंदर लगाए हुए थे, पब्लिक लोग शीशा मार के ईटा पत्थर से तोड़ दिया। कहाँ आए थे अतिक्रमण के लिए? यही रघुनाथपुर मोड़ जो बोलता है, सुनसा गांव। हाँ, सुनसा गांव में। तो क्या स्थिति अभी लग रहा है? स्थिति क्या, आप जो पदाधिकारी लोग गए हुए हैं वहाँ पे, आप क्या वार्ता उन लोग के साथ हो रहा है? हम लोग तो अपना इसी तरह से अपना बचाव कर करके आके रुकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़े शराब तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले के थानों में शराब कांड का मामला दर्ज है। साथ ही गिरफ्तार तस्कर सालों से पुलिस की गिरफ्त से फरार होकर शराब का धंधा चला रहा था, लेकिन तस्कर पुलिस के गिरफ्त से फरार था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना लगातार रेड छापेमारी और आसूचना संकलन कर रही थी, उसी दौरान कल मनियारी थाना को गुप्त सूचना मिली कि लालू राय जो है अभी अपने घर पकाही में, जो उसका घर है मनियारी थाना अंतर्गत, वहां आया हुआ है। इस सूचना की पुष्टि करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसमें वहाँ की परिवीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रीता जी, उनके साथ हेमंत कुमार, कुंदन कुमार और मनियारी पुलिस का जो था बल था, उन लोगों ने एक टीम बनाई और लालू राय के घर पे रेड किया, जिसमें उनके सक्सेसफुल। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एंगसराय प्रखंड के धनहर गांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने धनहर गांव में आयोजित 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां जदयू के पूर्व विधायक चंद्रसेन और इंजीनियर सुनील कुमार मौजूद रहे। इस धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत करने के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर जमकर कटाक्ष किया। आप
2024 में पूरी तरह से उनका सफाया होने वाला है, इसलिए वो परेशानी में है, दिक्कत में है, बौखलाहट में है, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो उसको कौन नोटिस लेता है। बिहार की जनता और देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, देश में जो संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये सब लोग समझ चुके हैं। और पैदा हुए थे तो कभी कृष्ण पैदा हुए थे, और संतुलन को कायम करने के लिए उन्होंने कई एक अत्याचारियों का संहार किया था, और उस संहार के वक्त हनुमान जी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, और जिस समय महाभारत की लड़ाई लड़ी जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण जब जो है सारथी। बिहार में मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के गरहा चौक के पास तेज रफ्तार कहर देखने को मिली है, जहां अचानक अनियंत्रित कंटेनर मजदूरों को रौंदता हुआ निकल गया, जिससे घटनास्थल पर ही एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए SKCS में भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। करने के लिए घर से ना सुनील जी है ना के साथ और साथी लोग ना चले हुए थे मजदूरी करने के लिए। जी सर, दुर्भागपुर दरभंगा की तरफ से एक हरियाणा नंबर गाड़ी आती है कंटेनर, और इन लोगों को धक्का मारती है, जिसमें सुनील जी का ऑन द स्पॉट आना मृत्यु हो जाती है और चार आदमी घायल हैं। जी जी, जो बहुत ही है ना घटना इस प्रकार है कि जिसकी जितना ना किया जाए बहुत ही दिल लेना दरकने वाला घटना है। जी अच्छा, बाकी सभी लोग मेडिकल में इलाज में। और कितने लोग इनके साथ हैं? चार पांच लोग थे। किसी से ये लोग आ रहे थे? साइकिल से था सब। साइकिल से। और ये घटना कहाँ पे घटी है? गरहा चौकी थोड़ा आगे घटा है, बैंक के पास। अच्छा, बैंक के पास में। किसी से घटना? कंटेनर है ना, उसी से लगा है, हरियाणा नंबर है। अच्छा, पकड़ में आ गया है गाड़ी? पकड़ में आ गया है गाड़ी। और ये जिनकी मौत हुई है कहाँ के रहने वाले? सना ठीक है। सना ठीक है। शायद कितना उम्र रहा होगा? 25 साल हुआ होगा। बच्चे भी हैं? दो बच्चा है। तो चपेटते हुए लेकर चला गया, जिसमें चार आदमी छिपरा गया और एक आदमी। इनका मौत हो गई? वो मेरे मौसी जी का लड़का था। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। सुनील कुमार की मौत घटनास्थल पर हो गई। और कितने लोग घायल हैं? दो घायल हैं। हमको ज़्यादा है और मेरे मामा जी को थोड़ा सा खिलाव लगता है। कहाँ पे ये घटना घटी है? गढ़ा चौक से थोड़ा सा आगे। बिहार में नवादा में सुबह एक हाथी ने महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि हाथी ने एक महादलित के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाते हुए घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे विभाग के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सब्जी तोड़ लिए थे, उसी में न्यूज के तोड़ रहे थे, पैसे का आया पता कम चार दिन। क्या नाम है आपका? नारायण पासवान। क्या हैं आप? सुविधा थाना पासी। इनका पति का नाम? संजू प्रसाद। कहाँ घर है? अल्लोपुर। क्या हुआ बताइए? सब्जी तोड़ने के लिए खेत गए थे। अच्छा, उसी दौरान हाथी आगे आया, पीछे से अपना सूर में लपेट कर दो पटका दे दिया इनको। अच्छा, इलाज कराने वासुदेवगंज सदर अस्पताल लाए, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, कितना उम्र होगा इनका? इनका वही 60 वर्ष। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता
ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।